दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में फिर तेजी से इजाफा होता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटों में भारत में 22,775 मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामले भी एक बार फिर 1,00,000 के ऊपर पहुंच गए हैं, तो वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। देश भर में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या 1,400 के पार हो गई है। ऐसे में लोगों को बेहद सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। भारत में कोविड 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे महामारी की तीसरी लहर की आशंका के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि दोस्तों, अब जो रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है उसने पूरी दुनिया को बड़ी राहत दे दी है। ये रिपोर्ट साबित कर रही है कि ओमिक्रॉन बहुत ही कमजोर वायरस है और इसे बहुत आसानी से हराया जा सकता है। ये रिपोर्ट हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देश और दुनिया का हाल जान लेते हैं। तो दोस्तों, देश में महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। महाराष्ट्र में अब तक 454 मामले सामने आ चुके हैं, वहीं दिल्ली में 351 केस। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कह चुके हैं कि राजधानी में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, इसलिए दिल्ली में कई पाबंदियां फिर से लगा दी गई हैं। इधर तमिलनाडु, गुजरात और केरल में भी ओमिक्रॉन के 100-100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। भारत के अभी तक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। अभी कुल मामलों की संख्या 1,431 है, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो ओमिक्रॉन के केस लगभग 3 दिनों में डबल हो रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में तेजी से बढ़ेंगे। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक देश में अब ओमिक्रॉन मुख्य वेरिएंट के रूप में सामने आ सकता है। वहीं दुनिया भर में इस वक्त कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से हाहाकार मचा हुआ है। कई यूरोपीय और अफ्रीकी देशों के अलावा एशियाई देशों में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर देखने को मिल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई बड़े हेल्थ एक्सपर्ट ओमिक्रॉन को कोरोना का अभी तक का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बता चुके हैं। लेकिन इस बीच एक ब्रिटिश स्टडी में बहुत अच्छी खबर सामने आई है। ओमिक्रॉन पर आई सबसे बड़ी रिसर्च रिपोर्ट। ओमिक्रॉन संक्रामक है लेकिन मारक नहीं। दोस्तों, ब्रिटिश स्टडी में सामने आया कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रामक तो है, लेकिन ये कम घातक है। स्टडी के मुताबिक ओमिक्रॉन से गंभीर समस्या होने का खतरा काफी कम होता है। दक्षिण अफ्रीका में 24 नवंबर को इस वेरिएंट का पहला केस दर्ज होने के बाद से ही इस पर दर्जनों अध्ययन किए गए हैं और अभी भी किए जा रहे हैं। इनमें से आधी स्टडी में यही दावा किया गया कि कोविड 19 की पिछले वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन कम खतरनाक है, हालांकि ये संक्रामक अधिक है। एक अमेरिकी स्टडी में ये भी पाया गया था कि ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों में गंभीर बीमारी का खतरा कम रहता है। वहीं हांगकांग से संबंधित एक लैब ने अपने अध्ययन में पाया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले ब्रोंकाई में 70 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है, लेकिन ये फेफड़ों में डेल्टा के मुकाबले 10 गुना धीमी रफ्तार से फैलता है, इसलिए इसे कम घातक माना जा रहा है। ताजा स्टडी में ये भी पाया गया है कि वैक्सीन भी ओमिक्रॉन पर असरदार है। ये अध्ययन यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने पब्लिश की है। इसमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर 528,176 ओमिक्रॉन और 573,012 डेल्टा के मामलों पर स्टडी की गई थी।